बनारस से शुरू होकर रायबरेली में समाप्त हुई, जहां कांग्रेस युवा नेता हार्दिक पटेल पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा जिस तरह जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है उससे आगामी चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई थी, कम सीटें होने के बावजूद भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाई गई। चाहे वे लखीमपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो, सभी जगह सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज को उन्होंने बुलंद करने का काम किया है। जो सपना कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देखा है वो सपना सिर्फ घोषणा पत्र तक सीमित नहीं रहे। हमने प्रतिज्ञा ली है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। आदरणीय प्रियंका गांधी ने लगातार गांव-गांव घूमकर जनपद घूमकर जो सपना यहाँ के लोगों के लिए देखा था उस सपने को साकार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो प्रतिज्ञा यात्राएं निकली थी, ये प्रतिज्ञा यात्रा बनारस से निकली थी, आज रायबरेली में समापन होने जा रहा है। खबर लखनऊ।